नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेनू गुसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली और लहसुन वाली हरी मिर्ची के साथ मिलाकर चटनी। जिसको हम चटनी को बनाएंगे, इसको हम अलग से भी चटनी का प्रयोग कर सकते हैं, और इस पेस्ट को जो हम ये चटनी बनाएंगे उसको दही में मिलाकर, जो हम बाज़ार से जब आप कोई भी स्नैक्स लाते हैं तो हरी चटनी जो होती है उसको बनाएंगे, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। कुछ तो मैंने यहाँ पर बिना तीखी, जो तीखी नहीं है, अचारी मिर्ची ली है, कुछ मैंने यहाँ पर तीखी मिर्ची ली है, पुदीने के पत्ते लिए हैं, हरा धनिया लिया है, कुछ करी पत्ते लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ प्याज लिया है, और मेन जो इसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो है लहसुन का। तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 कलियाँ जो हैं लहसुन की मैंने यहाँ पर छील कर ली हैं। कुछ मूंगफली जो है मैंने माइक्रोवेव में इसको रोस्ट कर लिया था और उसका छिलका उतार लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आम के कुछ फ्रोज़न, मेरे पास क्योंकि मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ, और आगे भी मैंने आपको बताया था कि मौसम के अंदर आप एक बारी एक बैग भर के फ्रोज़न कर लें तो सभी चटनी को में काम आता है, और भी आपने कहीं भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और इससे क्या होता है कि टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये फ्रोज़न जो है टुकड़े मैंने कुछ आम के लिए हैं, और यहाँ पर मैंने एक कप फ्रेश दही ली है। ध्यान रखें कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम नींबू का प्रयोग भी कर रहे हैं, आम का भी कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपको लगे कि दही आपकी खट्टी है तो आप फ्रेश मलाई जो है इसके अंदर डाल लें एक चम्मच, और दही को जो है मीठा कर लें। ये मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया है कि जब हम पुदीने को पीसते हैं तो पुदीना जो है काला हो जाता है, तो इसको या तो बर्फ़ के साथ पीसिएगा, ठंडे पानी के साथ पीसिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो फ्रोजन टुकड़े हैं ये आम के मैंने सबसे नीचे डाल दिए हैं, और इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पर ये जो पुदीना है इसको हम रखेंगे। पुदीने के साथ साथ धनिया जो हमने लिया है वो डालेंगे, और साथ ही साथ इस तरह से हम काट कर हरी मिर्ची जो है उसको डाल देंगे। सारी हरी मिर्ची इस तरह से काट कर डाल देंगे। हरी मिर्ची हमने तीखे वाली भी और जो कम तीखी है उसको भी हमने काट लिया है। इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर मूंगफली लिया है इसको डालेंगे, और जो करी पत्ता हमने लिया है, करी पत्ता तो आप हर एक चटनी में ज़रूर डाला करें, इससे कोई टेस्ट में चेंज नहीं आता, क्योंकि पुदीना जो है उसका टेस्ट इतना ज़्यादा, उसकी खुशबू तेज़ होती है कि वो चटनी में बाकी खुशबू तो नहीं आती, लेकिन जो है उसका जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगे। उसके साथ अब हमने जो ये लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये मेन फ्लेवर लेने के लिए हैं, इस लहसुन को हम इसके अंदर डालेंगे, और साथ ही साथ जो ये प्याज है हमारे पास इसको काट कर इसके अंदर डाल देंगे, और इन सभी को हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, और बाद में थोड़ा सा नींबू का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि हम दोनों चटनियां जो हैं इनको अलग भी रख रहे हैं और इसको हम दही के साथ भी मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों चटनियों को अलग अलग से बनाकर ही मिक्स करेंगे। ग्राइंड करने से पहले हम यहाँ पर एक चम्मच मैंने यहाँ पर रॉक साल्ट मिला लिया है, और अब हम इसको पीस लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है, देखिए और किस तरह से ये इसकी पेस्ट बन गई है, और कितनी ग्रीन जो है ये आई है आप देखिए। अब इस चटनी के दो चम्मच हम यहाँ पर दही में मिक्स करेंगे, तो ये हमारा डिप हो गया स्नैक्स के साथ। जो भी हमने किसी भी स्नैक्स के साथ हम इसको सर्व करते हैं, इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको पतला करना चाहें तो आप इसको पतला कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसको अच्छी तरह से हम फेंट देंगे। ये हमारी लहसुन, दही, पुदीने और धनिए हरी मिर्ची के साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब टेस्ट में, क्योंकि इसके अंदर मूँगफली भी है, लहसुन भी है, पुदीना भी है, हरी मिर्ची भी है, तो इसका जो फ्लेवर है बाज़ार से तो बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ार में तो कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब आप देखते हैं खाते हैं तो टेस्ट जो है उसमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप इसको खाएँगे तो आपको स्वाद आ जाएगा, और आप इसको बनाकर दो तीन दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी चटनी को हम यहाँ एक कंटेनर में, यहाँ बाउल में निकाल लेंगे, और इस बाउल को हम ढक कर, यानी कि किसी भी बाउल में जो आपका एयर टाइट हो उसमें डालकर उसमें आप इसको हम फ्रिज में रख देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी दोनों दही वाली लहसुन की
चटपटी चटनी और ये बाकी चटनी जो है, हम इन दोनों चटनियों को आप स्नैक्स के साथ कहीं भी किसी भी चीज़ के साथ, चीले के साथ या कोई पकौड़ों के साथ, जिसके साथ मर्जी आप खा सकते हैं। इसको इस तरह से बनाकर देखिए, इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है कि आप इसको बार बार बनाकर रख लेंगे। और चटनी स्नैक्स में खाने के बाद अगर और इसके अलावा आपका कुछ चटपटा पीने को जी करे, गोलगप्पे का पानी इसके 2 चम्मच डाले, थोड़ी सी हम इसमें पकौड़ी डाली और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे हम इसके अंदर, और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर काला नमक, तो एक बहुत ही लाजवाब तीखा सा एक ड्रिंक जो है। इसको आप गोलगप्पों के साथ भी पी सकते हैं और वैसे भी पी सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग जो है आपके डाइजेशन के लिए ये ड्रिंक बन गया है। तो आप चटनी भी खाइए और साथ ही साथ इसके साथ इस ड्रिंक को भी पीजिए, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।